नुकानी गैंग जो पहाड़ में है उसका भी खात्मा होना चाहिए। मेरी अपील है आपके तवस्सुल से हुकूमत को भी, सामीन को भी, कि उस गैंग को, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खत्म तब होंगे जब इनके हार्बरर्स या जब इनके सहूलतकारों को हम पकड़ेंगे। कौन है सर, वो बता सकते हैं आप? सर मैंने तो बिल्कुल ओपन से अल्लाह की जात से खौफ है। मुरीदा नुकानी, अली गुल बाजगीर को जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली, शेर अली गुरशानी वो सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह छोटू जो है ये आतिफ मजारी साहब का, शमशेर मजारी का गनमैन रहा है जी। आप ये देखें, आप जो सवाल मुझे कर रहे हैं कि कौन है ये लोग, आप सिर्फ ये देख लें कि इससे पहले जितने भी बंदे अगवा हुए उनको वापस कराने वाला कौन है। ईडीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ अगवा हुए हैं, एक डिप्टी सेक्रेटरी अगवा हुए हैं, उनको वापस करवाया परवेज गुरचानी ने, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। इसी तरह हमारे यहाँ 28 बंदे अगवा हुए रुझान साइड पे छोटू ने उठाए, उनको वापस लेके आए आतिफ मजारी और शेर मजारी। तो दैट इज एन ओपन सीक्रेट, हर किसी को पता है, एजेंसीज की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, इवन सीएम को भी पता है। पीपी 147 से मुंतखब नुमाइंदे हैं अली रजा द्रेशक, जो कि कह रहे थे ओपनली कह रहे हैं कि कौन कौन इस सारे सहूलतकारों में कौन कौन शामिल है, और उनका कहना है कि ना सिर्फ छोटू गैंग बल्कि जो पहाड़ों पर कुछ जराइम पेशा अनासर है उनके खिलाफ भी अब मुकम्मल ऑपरेशन किया जाए ताकि इस इलाके में अमन मुकम्मल तरीके से कायम हो सके। जी ठीक है, थैंक यू सर।